ये सर को थोड़ा इधर पिछले 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि मतलब यहाँ कैसे आऊँ, बट अच्छी फैसिलिटी अरेंज करके दी है और हम लोग सेफली पहुँच गए मुंबई का मुंबई में। मम्मी का घर मुंबई में है और यहाँ ससुराल गुजरात में, तो थोड़ा कंजस्टेड हो गया था बट अभी नॉर्मल। कितने महीने रही आप? अभी मैं 2 महीने से वहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर 2 मंथ्स, अच्छा लग रहा है। ये लोग ने अच्छे से अरेंज किया और सेफ्टी भी रखी है तो अच्छा लग रहा है। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार यू में एयरलाइंस एयर की फ़्लाइट मुंबई से लैंड की है। वैसे इसे 25 तारीख से ही भारत सरकार की अनुमति के उपरांत लैंड करना था, जो इसका स्लॉट अप्रूवल हुआ था यहाँ के लिए, परंतु किसी कारणवश ऑपरेशनल रीजन से उसके बाद से ये 2 दिन कैंसिल रही फ्लाइट। आज 10:50 पर ये फ़्लाइट लैंड की है। इसमें 10 इनकमिंग पैसेंजर्स हैं, 10 में से 3 जो है दीव के हैं, बाकी आउट स्टेशन गुजरात के हैं, जो इनको पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से, SOP के हिसाब से इनके बैगेज को इनके सैनिटाइज करके इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए टर्मिनल बिल्डिंग में इनकी एंट्री ली गई है, और उसके बाद सैनिटाइजेशन के बाद उनके बैग को उनको हैंडओवर कर दिया गया है, और उसके बाद इनको मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए जो हेल्प डेस्क लगाई गई थी, जहाँ पे यहाँ के भारत सरकार और की गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की, हैंड सैनिटाइज कराया, टच फ्री सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं। उसके बाद उनको 2 बसेज गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे थी, जिनमें बैठा कर उनको जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले थे वहाँ तक ले जाया गया। जो यहीं के लोग दीव के थे उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ले जाया गया। तो आज आने से हमें इस बात की खुशी है कि हमारा ऑपरेशन प्रचालन फिर से शुरू हो गया है, और 100% SOP को फॉलो किया जाए। हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सारे सुरक्षा नियमों के साथ जो है प्रचालन जारी रहेगा। सर, आपका नाम पूरा और डेजिग्नेशन आपका? मेरा नाम अनवार अहमद अंसारी है, मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर हूँ। ठीक है।
મારું નામ દર્શન કલસરિયા છે અને હું 4-5 વર્ષથી ઓલમોસ્ટ 4 વર્ષથી મુંબઈમાં છું અને હું પોતાનો વ્યવસાય કરું છું આઈટીમાં અને છેલ્લા 2 મહિનાથી અમે ટ્રાય કરતા હતા કે બાય કાર કેવી રીતના આવી જાય, પણ એ થોડું ડિફિકલ્ટ હતું અને એક્સપેન્સિવ પણ હતું અને ત્યાં બધું જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી હતી હતી, પણ હવે ફ્લાઇટ ચાલુ થઈ છે તો અમને વધારે સરળતા થઈ છે આવવા જવામાં, એટલે ઘરે જઈને મા બાપને મળી શકીએ, એમની સાથે થોડો સમય વિતાવી શકીએ અને બહુ સરસ કામ કર્યું છે સરકારે ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ ચાલુ કરીને અને બહુ જ સુવિધા છે અને વ્યવસ્થિત રીતના સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરીને બધી જ પ્રોસિજર ફોલો કરવામાં આવે છે સ્ટ્રિક્ટલી, ઇન્કલુડિંગ ફ્લાઇટની અંદર પણ ક્રૂ મેમ્બર એકબીજાના ડેની અને એ લોકો પણ પ્રોટેક્ટિવ માસ્ક ને એ બધું પહેરેલું હોય છે, પ્લસ એરપોર્ટ પર તમને કીટ આપવામાં આવે છે જેમાં 2 માસ્ક હોય છે અને આવી રીતનું એક શિલ્ડ કવર હોય છે અને મોસ્ટલી બધાને સાથે જ માસ્ક અને હેન્ડ ગ્લોવ્સ પહેરીને આવવાનું કહે છે અને એક અમે બધા પેસેન્જર થ્રુ એક આવી રીતનું એક સેનિટાઇઝર સાથે રાખવું જે પણ લોકો ડોમેસ્ટિક ટ્રાવેલ કરે છે તો અને કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના હાથ સેનિટાઇઝ કરવા અને બીજું કે ઈચ્છું છું કે આવી ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખે સરકાર તો અમારી જે વ્યવસાયિક લોકોને આવવા જવામાં સરળતા રહે, ઘરે બી આવવા આવી શકીએ આરામથી અને ધંધો પણ ચાલુ રાખી શકીએ.